स्वागत है हमारे चैनल में। तो देश के बड़े भगोड़े विजय माल्या को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाला विजय माल्या भारत लाया जा रहा है और ये बड़ी खबर है कि उसे अब मुंबई में रखा जाएगा, क्योंकि जो मामले दर्ज हैं वो मुंबई में ही दर्ज हैं। इसलिए ये खबरें हैं कि बैरक नंबर 12 में उसे रखने की तैयारी हो रही है। तो पी चिदंबरम पर शिकंजा कसने के बाद अब मोदी सरकार ने दूसरे भ्रष्टाचारी और भगोड़े विजय माल्या पर शिकंजा कसा है। तो ब्रिटेन कोर्ट में तमाम कोशिश विजय माल्या ने की, लेकिन मोदी सरकार ने सारी कोशिशें उसकी नाकाम कर दी है। अब उससे हार कर भारत आना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसे कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरीके से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, तमाम दलीलें उसने कोर्ट में दी थी, लेकिन सारी दलीलें उसकी नाकाम हो गई हैं। अब ये मोदी सरकार है और इस बात की पुष्टि हो गई है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को अब छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी दूर क्यों ना हो। कांग्रेस को लगता था कि वो ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचा लेगी, लेकिन अब कांग्रेस के भी राज खुलेंगे कि आखिर किसने मदद की इन भ्रष्टाचारियों की। और अब सच सामने आएगा। मोदी सरकार पर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि मोदी सरकार ने नीरव मोदी और विजय माल्या को देश से भगाया है, मदद की है, लेकिन सच क्या है ये सबको पता है कि कांग्रेस का जो दूसरा रूप है वो किस तरीके से नीरव मोदी को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो भाग कर गए हैं वो वापस आएं, क्योंकि उनके आने पर कई ऐसे राज हैं जो खुल सकते हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस ऐसा क्या है जो छुपाना चाहती है और जिसकी वजह से नीरव मोदी की वो किस तरीके से मदद कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि विजय माल्या भारत आए। दूसरी तरफ वो आरोप लगा रही थी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के चक्कर में, और सिर्फ ट्विटर तक ही उनके सवाल और जवाब सीमित होते थे। लेकिन अगर बात करें कि कहां पर क्या मदद पहुंचा रहा है, तो आंतरिक मदद कांग्रेस की तरफ से विजय माल्या को भी पहुंचाई जा रही थी, और अगर देखें तो खुलेआम उन्होंने नीरव मोदी की वकालत की है। तो इससे अब ये साबित हो गया है कि विजय माल्या के आने पर सबसे ज्यादा दुख कांग्रेस को है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि विजय माल्या भारत आए। यहां तक कि अब कांग्रेस ये भी बोलेगी कि मानव अधिकार का हनन हो रहा है, सरकार इन लोगों पर दबाव बना रही है जो भ्रष्टाचारी हैं, जो देश छोड़कर भागे थे, जो 1,000 करोड़ का घोटाला कर देश छोड़कर भागे थे, उन पर सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। और अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो ये भगोड़े आईपीएल में मजे करते, कैलेंडर छपवाते और राहुल गांधी को अर्थव्यवस्था के बारे में सुझाव दे रहे होते इंटरव्यू करके। लेकिन अभी जो सरकार है वो मौजूदा सरकार मोदी की सरकार है, और इसी वजह से ऐसे भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और बिल्कुल भी इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये बात विजय माल्या को भी अच्छे तरीके से पता हो गई होगी, क्योंकि अभी जल्द में ही विजय माल्या का बयान आया था कि पैसे ले लीजिए और आप कार्रवाई बंद कर दीजिए। लेकिन सरकार ने ऐसे भ्रष्टाचारियों को ना माफ करने की कसम खा रखी और ये साफ कह दिया है कि ऐसा भ्रष्टाचारियों पर बिल्कुल भी रियायत नहीं की जाएगी। ये बात अलग है कि जितना भी उन्होंने घोटाला किया था, जितने रुपए वो लेकर भागे थे, उससे ज्यादा कि उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। लेकिन अब जितना इन लोगों ने जो अपराध किया है, जघन अपराध किया है, उसकी सजा इनको मिलेगी। तो आपको बता दें कि ये खबरें तेज हैं कि कहां पर विजय माल्या को रखा जाएगा और कहां पर वो आएगा। तो ये बात तो तय हो गई है कि उसे मुंबई लाया जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं वो मुंबई में तय हैं और पूछताछ भी मुंबई में ही की जाएगी। तो ये खबरें तेज हो गई है कि विजय माल्या को मुंबई में आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखे जाने की तैयारी चल रही है। ये माल्या को 2 मंजिला आर्थर रोड जेल के परिसर के अंदर बेहद सुरक्षित इस बैरक में रखा जाएगा। इसको लेकर जेल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी कर दी गई है। और साथ में आपको बता दें कि रात में जब विजय माल्या का विमान मुंबई में लैंड करेगा तो सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम उसका मेडिकल चेकअप करेगी, और इसके बाद माल्या के साथ सीबीआई और ईडी के कुछ अधिकारी भी रहेंगे। अगर माल्या गुरुवार को मुंबई आता है तो उसे एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा। कोर्ट में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां इसकी रिमांड कर सकती हैं, लेकिन पहले सीबीआई पूछताछ करेगी, उसके बाद ही ईडी कोई भी कार्रवाई करेगी। तो जिस तरीके से विजय माल्या ने यह दलील दी थी ब्रिटेन कोर्ट में, उसने कहा था कि भारत की जेलों में मानव अधिकार जैसा कुछ नहीं है, वहां पर मानव अधिकार का हनन होता है,
और उसके तहत अब ये बताया जा रहा है कि बैरक नंबर 12 में विजय माल्या के लिए गद्दा, तकिया, चादर और कंबल का इंतजाम रहेगा। एक मेटल फ्रेम या लकड़ी का बेड मेडिकल आधार पर दिया जाएगा। साथ में रोशनी और हवा और सामान रखने के लिए जगह का इंतजाम होगा। टॉयलेट, कपड़े धोने, पीने का साफ पानी और मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से मानव अधिकार का भी ख्याल रखा जाएगा, जो विजय माल्या ने ब्रिटेन कोर्ट में दलील दी थी और सवाल उठाए थे। तो इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में विजय माल्या की वो याचिका खारिज हो गई थी जिसमें उसने भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ गुहार लगाई थी। भारत प्रत्यार्पण के लिए 14 मई को आखिरी मुहर लगा दी थी। विजय माल्या की याचिका खारिज होने के बाद उसे भारत लाया जाने का रास्ता साफ हो गया था। अब वो फाइनली भारत आ रहा है, तो इससे सबसे ज्यादा अगर दुख किसी को हो रहा है तो वो कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कई राज खुल सकते हैं कि आखिर किन मंत्रियों ने किसके कहने पर इन्हें लोन दिया गया और किस तरीके से इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया। क्योंकि इससे पहले बड़ा खुलासा हुआ था मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर, कि उन्होंने SBI को लेटर लिखा था विजय माल्या को लोन देने के लिए। तो आखिर मनमोहन सिंह ने किसके इशारे पर लेटर लिखा और किसके कहने पर, इस सब चीजों का खुलासा होगा और लगातार इस पर हम आपको अपडेट देंगे। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने एक और झटका चाइना को दिया। इससे पहले छात्रों को उन्होंने बैन किया था अमेरिका में, अब दूसरी तरफ उन्होंने एयरलाइंस को भी बैन कर दिया है। तो 16 जून से कोई भी फ्लाइट चाइना में नहीं जाएगी अमेरिका की, और अमेरिका में कोई भी चाइना की फ्लाइट नहीं आएगी। तो ये बड़ा फैसला ट्रंप प्रशासन ने लिया है। तो जिस तरीके से चाइना अब विस्तारवादी की नीति अपना रहा था, अब उसे अमेरिका किस तरीके से तोड़ेगा अब ये चाइना देख सकता है। अब चाइना की एयरलाइंस डॉलर के लिए तरस जाएगी। अमेरिका ने पूरी तरीके से अब चाइना पर प्रतिबंध लगाने का मूड बना लिया है। तो इससे पहले आपको बता दें कि एक ऐसा भी बयान आया है कि 16 जून से पहले भी इस निर्देश को लागू किया जा सकता है, यानी कि 16 जून से पहले भी ये लागू किया जा सकता है कि फ्लाइट ना अमेरिका में आएंगी चाइना की और ना ही चाइना में जाएंगी। तो ये चीन के लिए बड़ा झटका है। तो चाइना की अब अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, और जिस तरीके से कोरोना वायरस की भूमिका पर जांच हो रही है चाइना की और दूसरे तरीके से उस पर बैन लग रहे हैं, प्रतिबंध लग रहे हैं, तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि चाइना किस तरीके से घिर चुका है। अब चाइना को ये समझना चाहिए कि उसकी विस्तारवादी नीति और जिस तरीके से वो धमका रहे और डराने की कोशिश कर रहा है, वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बैर मोल ले रहा है, अब वो पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर आ रहा है। हमने देखा कि पहले से भी अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, ये कोल्ड वॉर है। जिस तरीके से रशिया के अमेरिका ने टुकड़े किया, अब चाइना के भी टुकड़े होंगे, क्योंकि चाइना की जो नीयत है वो सही नहीं है, चाहे उसकी विस्तारवादी नीति हो या पूरी दुनिया में जो उसने कोरोना दिया और उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वो उसकी जो नीति थी, अब उस पर पर्दाफाश हो चुका है और पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ चुका है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें रशिया की, तो रशिया को जिस तरीके से अमेरिका ने टुकड़े टुकड़े किए थे, अब वो G7 की समिट पर भी चाइना का साथ चाहता है। उसका कहना है कि चीन के बिना जी सम्मेलन की वैश्विक पहलों को लागू करना मुश्किल होगा, ये रशिया का कहना है। साथ में आपको बता दें कि पुतिन ने G7 में शामिल होने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि ये पुराने जमाने का है। तो जिस तरीके से रशिया और अमेरिका का हमने कोल्ड वॉर देखा था, और जिस तरीके से रशिया के टुकड़े हुए थे और उसका जो एक महाशक्ति के रूप में था, और उसके बाद उसका अस्तित्व धीरे धीरे कम हुआ था, और उसको इस बात का मलाल है, इसलिए आज वो चाइना के साथ जाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर बात करें तो चाइना का भी वही हाल होने जा रहा है, वही असर होने जा रहा है जो रशिया का हुआ।